ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अलका जी अनुपस्थित रहने के कारण हमारे साथ बीना जी वैद बेंगलोर से जुड़ी है, एक जानी मानी साधिका और लोगस साधना का इनका नियमित क्रम चलता है, तो मैंने आज इनसे रिक्वेस्ट की आज हमें लोगस साधना आप कराए। हमें प्रसन्नता है कि तुरंत इन्होंने स्वीकृति प्रदान करते हुए हमारे साथ जुड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याण योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। लोगस का क्रम पिछले करीब करीब 7 महीनों से हमारे प्रति मंगलवार चल रहा है, बहुत सुंदर एक क्रम चल रहा है। लोगस साधना क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, हमने बहुत कुछ जाना, कुछ आज नई बातें भी हम सुनेंगे जानेंगे और ध्यान भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बीना जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप आज का सेशन प्रारंभ करें। हमें प्रसन्नता हो रही है कि अलका जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। कल लेट नाइट वो पहुंची ट्रेन का सफर करके और आज सुबह सुबह जुड़ी है। अलका जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेन्द्र सबको, जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। अलका जी सो सॉरी, बहुत दिनों के बाद शादी के कारण, और शादी में आई तो पता है पूरा गला बैठा हुआ है, तबीयत भी ठीक नहीं, तो मैंने बोला चलो बीना जी का लाभ मिले तो और क्या चाहिए। बहुत बढ़िया, लोगों की साधना आपकी होती ही रहे। अगर कोई भी, मैं तो ये सजेस्ट करने वाली थी अमीना जी आई है तो बहुत अच्छी बात हो गई, पर नहीं तो हमारे जो सारे श्रावक जो है, जो सुनने वाले, उसमें से कितने लोगों ने कितना याद किया है, उनसे ही बात कीजिए लोगों से कि उनको ही पूछो सारे पीछे के एपिसोड, तो भी उनका एक रिवीजन हो जाएगा। पर अच्छा जरूर, जरूर जरूर। तो आज हमें मौका मिल रहा है, आज हम बीना जी को भी सुनेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम बीना जी। दोनों हाथ ऊपर करते हुए सभी से निवेदन है आप बीना जी का स्वागत करें। मोस्ट वेलकम बीना जी। चल थैंक यू। मैं अध्यात्म के महासूर्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन करते हुए वंदन करती हूँ उन सभी पवित्र आत्माओं को जो प्रभु के श्रीमुख से निश्चित वाणी को, मंत्रों को अपने भीतर आत्मसात कर अपने जीवन की सार्थकता की दिशा में आगे बढ़ते हैं, उन सब का अभिनंदन। मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि एक, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी लोगस पर मुझे कोई क्लास लेने का मौका मिलेगा या अपने अनुभव शेयर करने का मौका मिलेगा। अलका जी आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से लोगस की महिमा के बता रही, और पिछले 27-28 एपिसोड पूरे हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं होती है। एक साधक का कितना श्रम लगता है, लेकिन वो श्रम तब सार्थक हो जाता है जब लोगों के हृदय को हम छू पाते हैं और हृदय में परिवर्तन महसूस कर पाते हैं। तो मैं समझती हूँ अलका जी, बीच में अचानक मेरा टपक जाना शायद जैसे वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह हो गया है ये, और शायद एक हर साधक
या हर एक स्टूडेंट की एक खासियत ये होती है कि वो अपने ट्रेनर से, अपने मोटिवेटर से, अपने मेंटोर से वो इतना प्रभावित हो जाता है कि उसकी वाणी, उसकी आवाज सुनने का वो आदि हो चुका होता है। अभी सभी लोग जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं एमपी के इसमें फिटनेस सेंटर्स के थ्रू, वो सब लोग अलका जी की आवाज सुनने के आदि हैं, अलका जी का ज्ञान सुनने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। और उस तत्परता के बीच में अचानक मेरी एंट्री हो जाना, तो हो सकता है उन्हें थोड़ा सा अटपटा भी लगे, क्योंकि एक चीज का नशा हो जाता है, रोज चाय पीते वैसे ही नशा हो जाता है, ऐसे ही हर मंगलवार को अलका जी की आवाज सुनने का एक नशा सा है सबको। और आज अचानक मेरा सुन के क्षमा भी चाहूंगी, और मैं समझती हूँ अच्छा भी है कि अलका जी का महत्व तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जिनको कमी लगेगी अलका जी वो लोग। रीना जी, रीना जी, आज तो मेरा तो गला खराब है, पर एक बात मुझे पता है कि अच्छा अभी बाजू कुछ कहना चाहती, परंतु वीना जी हर एक के पास एक नॉलेज होता है, नया होता है और नए पॉइंट्स भी मिलते हैं, तो आपके पास निश्चित ही सारे सबको नया कुछ मिलेगा। और आनंद भाई जी बाजू कुछ कहना चाहती है, आनंद भाई जी बाजू कुछ कहना चाहती है। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आप बोल रहे हो मैं व्हाइट कार्ड की तरफ एंट्री की है, तो व्हाइट कार्ड जब भी हम खेलते हैं तो उसका हमें लाभ ही होता है। नहीं, मैं समझती हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ विभाजी कि आज अलका जी एक इतने लंबे समय तक किसी सीरीज को चलाना बहुत बड़ी बात है। और उनके पहले भी उन्होंने जो एक किताब के ऊपर लिया था वो भी बहुत दिनों तक चली, बहुत अच्छे से समझाते है, हमें उनका नशा तो है ही। बिल्कुल वही चीज मैं बोल रही हूँ, सही है, एक नशा हो जाता है, उस नशे में एक नया टेस्ट कराने की बात हुई। कल आनंद जी का अचानक जब मेरे पास बात हुई कि आप एक बार ये सेशन लीजिए, हालांकि एक्चुअली कल मेरे स्वास्थ्य की आज अनुकूलता नहीं ही थी, और सुबह भी मुझे थोड़ी सी वॉमिटिंग वगैरह काफी हुई, सिर में दर्द था, भारीपन था, लेकिन जैसे बोलते ना कि जब अपन संकल्प कर लेते हैं कि हमें कुछ करना है, तो मैंने आज एक ही मन में सोचा कि आज जो कुछ भी बोलूंगी मैं नहीं बोलने वाली हूँ, जो गुरु बुलवाएगा वो बोल दूंगी, क्योंकि मुझे लोगस्य की महिमा के बारे में बोलना है। मैंने आज उस गुरु पर ही छोड़ा है कि जो आज आप बुलवाएंगे, बिना किसी तैयारी के मैं आज आपके सम्मुख अपने अनुभव जन्य बातें आपके बीच में शेयर करूंगी। शास्त्रोक्त बातें बहुत सारी अलका जी ने आपको बताई हैं, आप लोग भी अपनी साधना कर रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों में से कुछ लोगों से ये जानना चाहूंगी कि कितने लोग हैं जो इस साधना से अपने आप को नियमित रूप से जोड़ पाए हैं। मैं रोज रोज लोगस की साधना करती हूँ, ज्यादा नहीं हुआ तो चार लोगस तो गिनती ही गिनती हूँ सभी चक्रों पर। संधू जी, रोज लोगस का ध्यान करते हैं, मतलब वही सामायिक जब करते हैं तो लोगस का भी होता है और भक्तांबर का भी होता है, रोज में सामायिक के अंदर वही करते हैं, और रात को सोने के टाइम पे एक बार और लोगस का बोलती हूँ, मतलब वही ध्यान करते हैं, बस उतना करते हैं, सामायिक रोज होता है। असल में क्या है कि लोगस का जादू जो है वही समझ सकता है जो इसे कर रहा है। हम कितना भी यहाँ पे बोलें लेकिन बिना करे, या कहते ना बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, हम मरेंगे यानी खपेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होगी। फल की आशा भले ही नहीं हो, लेकिन हर साधक का एक लक्ष्य अवश्य होता है, हर साधक की, वो उस आत्मिक शांति को, उस वीतरागता को, वैराग्य को अपने भीतर बढ़ा सके। या कहते हैं कि लोगस जिसको कहूं कि वीतरागता का, वैराग्य भावना का एक ऐसा पुंज है, एक ऐसा गुलदस्ता है। आप बोलोगे क्या वीणा जी, शुरुआत करते ही आप हमें वीतरागता की बात कह रहे हो, लेकिन जो भी साधक है लोगस की, जो भी साधना कर रहा है, मैं उसके साथ, मतलब मैं गारंटी वर्ड ये इसलिए जोड़ रही हूँ कि मैंने खुद उसको अनुभव किया है, जो बिना मन के भी अगर लोगस जपना शुरू कर दे और 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन निकाल दे जबरदस्ती भी, तो 8वें दिन उसे लगेगा कि उसके भीतर एक अनएक्सपेक्टेड शांति का भीतर अवतरण हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड सत्य का अवतरण, जिसकी उसने चाह नहीं की
लेकिन वो सहज ही आपकी लाइफ में उतर रहा है। सत्य के प्रति आकर्षण ऑटोमेटिक जागने लगता है और ये आकर्षण इतना जबरदस्त होता है कि वो जबरदस्ती शुरू की गई साधना जो 7 दिन आपने जबरदस्ती की, 8वें दिन आप खुद उस साधना में बैठने के लिए मजबूर होते, क्योंकि उसका स्वाद, उस स्वाद में इतनी मिठास होती है कि उस मिठास का आपको स्वाद आने लगता है और वो मिठास इतनी मतलब आनंददायी होती है भीतर से। उस मिठास में शांति भी है, आनंद भी है और सत्य को जानने की पिपासा भी है। और ये सत्य को जानने की पिपासा जब जाग जाती है तो व्यक्ति में एक नशा सा सवार हो जाता है, एक ऐसा नशा कि वो चाहता है कि वो किसी भी तरह उसे मिस नहीं करे, उसे उसका पान करना ही है, इसलिए वो साधना में बैठेगा ही बैठेगा। क्या आप में से किसी भी व्यक्ति जो रेगुलर साधक है सच्चाई के साथ इस बात को बता सकते हैं कि उन्होंने कभी ऐसी अनुभूति की है? लोगस की साधना मैंने पहले जब शुरुआत किया था ना, तो मैं दिन भर में 108 लोगस गिनती थी। यस, वेरी गुड। गिनते गिनते काफी मुझे उसका अनुभव हो गया, ध्यान में भी काफी चढ़ जाती थी, काफी उसका अनुभव होते थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं अधर हूँ, ना मैं जमीन पर बैठी हूँ ना आकाश में तैर रही हूँ, अधर बैठी हूँ, मेरा गुरु मुझे सहाय कर रहा है बस। वेरी गुड, वेरी गुड। एक चीज और बताइए, क्या आपके मन में ये ख्याल आया कि ये दुनिया सब नश्वर है? मतलब सुना वो बात अलग है, वो सुनी तो सुनाई बात छोड़ दीजिए। रोज ही अब पता चलता है, पहले नहीं लगता था पर अब रच लगता है। सारे रिश्ते ऋणानुबंध के इकट्ठे हुए हैं, खत्म हो जाएंगे। यानी आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, ये पृथकता का अनुभव कि आत्मा अलग है शरीर अलग है। मैं हाँ? सभी बातों में भेद ज्ञान करती रहती हूँ मैं। वेरी गुड। तो ये जो चेतना जागती है ये लोगस की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लोगस साधना की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जीव अपनी वीतरागता की ओर बढ़ जाता है, यानी विशुद्ध चेतना की तरफ बढ़ जाता है। कर्म क्षय तो हो ही रहे हैं, जब हम साधना करते हैं तो कर्मों का क्षय तो हो ही रहा है, लेकिन वो विशुद्ध वीतराग चेतना मतलब मोक्ष मार्ग की तरफ स्वतः ही मतलब ऑटो फ्लो में गाड़ी चलती है। एक होता है ना, हम बार बार गियर बदलते, कभी फर्स्ट गियर में गाड़ी आ जाती है, कभी हम सेकंड गियर में, कभी फोर्थ गियर में, कभी थर्ड गियर में हम गाड़ी को ले जाते हैं, लेकिन हमारी जो ऑटो फ्लो में गाड़ी चलती है मतलब सीधा हमें जरूर अपने आप ऐसा पुश मिलता है, ऐसा मतलब बल मिलता है, ऐसी ताकत मिलती है कि जो हमें लोगस की साधना के मार्ग से अपने आप हम उस सहज शांति सुकून आनंद और जो कहते हैं ना कि मोक्ष मार्ग के अनुगामी बन जाते हैं। बहुत देवी देवताओं की हम सब आराधना करते हैं, ये बहुत एक कह सकते हैं कि एक सामान्य सी बात है, जो कहता है कि भाई इसके माध्यम से ये मिलेगा, इसके माध्यम इन इस देवी देवता की पूजा करो तो ये मिलेगा वो मिलेगा, और हम लोग उसमें उसका पालन करते हैं, हम चले जाते हैं उस साधना में या पूजा में अर्चा में चले जाते हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपनी आत्मा से एक सवाल पूछना आज आप सबको कि मैं जिस उन देवी देवताओं की पूजा में जो समय लगा रही हूँ, जो देवी देवताओं उन देवी देवताओं का भी पुनर्जन्म अवश्य ही होगा, वो मेरी तरह आज नहीं तो कल मनुष्य जन्म उन्हें लेना ही होगा अगर उन्हें मोक्ष मार्ग में जाना है। इस सत्य का भान अगर हम सबको है तो एक व्यक्ति क्या होता है उसकी साधना एक नया मोड़ लेती। कहते ना एक चौराहा आता है जिंदगी में कि उस चौराहे पर आने के बाद हमें हमने अगर एक गलत मोड़ लिया तो हम वापस उस भौतिकता में घुस जाएंगे, और एक
अगर सही जगह मुड़ गए या सही रास्ता ले लिया तो चौराहा भले ही चार रास्तों में बटा हुआ है, लेकिन हमें ये भान है कि हमें इस रास्ते पे आगे बढ़ना है और ये रास्ता ही हमें मोक्ष मार्ग या वीतरागता। मैं कहती हूँ कि मोक्ष तो हमारी कामना है, हम लोग सोचते हैं कि हमें मोक्ष मिले, लेकिन मोक्ष के लिए साधना करनी पड़ती है। साधना मतलब जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती है वैसे वैसे हमें ये एहसास होने लगता है कि हम एक बहुत अच्छे इंसान बनते जा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि महावीर का जितना भी साधना काल आपने पढ़ा है या 24 तीर्थंकरों का जो भी साधना काल आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, जानकारी होगी आपको, इतना कष्टों से भरा हुआ था, लेकिन कभी उन्होंने अपना मार्ग बदला? अगर उन्होंने मार्ग बदल लिया होता तो क्या उनकी साधना इतने प्रकर्ष पर हो पाती, या आज वो हमारे लिए मतलब एक शुद्ध चैतन्य सिद्ध आत्मा के रूप में हमारे सामने होते, जिनका आज युगों युगों के बाद भी हम आराधना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं? सोचिए, अपने आप से पूछिए। यानी उनकी जिंदगी का एक लक्ष्य था आत्मा, और परमात्म स्वरूप में अवस्थित होने वाली उस आत्मा का, शुद्ध आत्मा की साधना, उसकी खोज, मतलब कैसे उस सत्य तक पहुंचे वो, उनका एक ही लक्ष्य था। भीषण कष्टों को सहन करने के बावजूद भी उन्होंने अपना मार्ग नहीं बदला। अगर हम उनके सच्चे अनुयायी हैं, अगर आप मानते, सुख की कामना बाद में, सुख कामना कैसी कि जो सात्विक सुख है, जो परमानंद है, जो चिदानंद है, जो सदा रहने वाला है, कायम रहने वाला है, वो चीज क्या हमारे भीतर कैसे विकसित हो, उस सुख की प्राप्ति के लिए हम क्या उनके सच्चे अनुयायी हैं जिन्होंने हमें मार्ग दिखलाया है? पहला सवाल अपने अंदर ये होना चाहिए। और जब जब आप कमजोर पड़े जैसे जिंदगी के मोड़, क्योंकि हम गृहस्थ हैं और पंचम आरा चल रहा है, मतलब हम उसमें हैं, पांचवें आरे में चल रहे हैं, आपको मालूम है कि परिस्थितियां और ज्यादा तकलीफ दे ही होंगी, लेकिन उसमें हमें अगर विजय दिला सकता है तो हमारा मनोबल, हमारा संकल्प बल। यानी पहले हमारे मन में ये होनी चाहिए कि हमारे आराध्य वही होंगे जो स्वयं शुद्ध हैं, विशुद्ध हैं, सिद्ध हैं। अगर ऐसे आराध्य हमारे पास हैं, तब हमारा पहला काम पूरा हो जाता है। यानी जिंदगी में जब भी प्रॉब्लम आएगी, तो अगर मैं अपने आप को ये याद दिला दूं, मैं महावीर की अनुयायी हूँ, मैं पार्श्वनाथ भगवान की अनुयायी हूँ, मैं ऋषभ की संतान हूँ, उन्होंने मुझे जीवन जीने की कला सिखाई है, मैं नेमिनाथ की अनुयायी हूँ, अगर इन 24 तीर्थंकरों को हमने ध्याया है, उनको अपनी आराधना का लक्ष्य बनाया है, तभी तो हमारी साधना पूर्ण हो पाएगी। अन्यथा आज हमने एक सुख पाया, भौतिक सुखों की जो बात कर रही हूँ, भौतिक सुख किसी देवी देवता की आराधना से हमने एक सुख पा भी लिया सपोज, तो भी हमें फिर दूसरा दुख सताने लगेगा, तीसरा सुख दुख सताने लगेगा। और यही जब हम इन ऐसी शुद्ध आत्माओं की साधना, सिद्ध भगवान की साधना में अपने जीवन को लगाते हैं, तो दो काम हो जाते हैं, सहज ही दुख अपने आप छटने शुरू हो जाते हैं। दुख आएगा, लेकिन हम उस दुख को सहजता से भोगने की, सहजता से करने की क्षमता हमारे भीतर आती है। और सबसे बड़ी बात आती है, अपने दुख के लिए हम अपने आप पर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि नहीं, ये आज नहीं तो कल हो सकता है, कभी मेरी आत्मा द्वारा किया गया ही ये कर्म है जो आज उदय में आया है। इसलिए हम समझने लगते हैं कि जीवन का क्रम कैसे चल रहा है, सुख दुख दोनों की कर्ता मैं खुद हूं, मेरी आत्मा। जब ये विश्वास जम जाता है तो बार बार ख्याल आता है कि हे महावीर, तुम्हारे जैसे बलवान मैं बनूं, हे पार्श्वनाथ, हे नेमिनाथ, तुम्हारे जैसा संकल्प बल मेरे भीतर आए, जहां भोग विलास की पराकाष्ठा पर पहुंचने के, मतलब जहां पे सब कुछ उन्हें शारीरिक जो सुख उनको मिलने वाला, उस मोड़ पर खड़े होकर कोई इंसान
केवल कारुण्य चेतना से अहिंसा की परम चेतना पर अवस्थित होकर सब कुछ त्याग देता है। वो चाहते थे तो अनंत जीवों की हिंसा को रोक सकते थे, बोल सकते थे कि नहीं इनकी हिंसा मत करो तो मैं विवाह कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं ढूंढा। उन्होंने एक संकल्प बल किया कि नहीं, ये हिंसा मुझे आज और अभी जीवन पर्यंत के लिए छोड़नी है। ये चेतना जब आई तो संकल्प बल कितना मजबूत होगा आप सोच सकते हो, कितना मजबूत मनोबल होगा और कितनी गहरी सूझबूझ होगी। ऐसी साधना करने से, ऐसे व्यक्तियों की आराधना करने से उनके जो व्यक्तिगत गुण हैं वो स्वतः हमारे भीतर प्रवेश करने लगते हैं। मैं लालची हूँ, बहुत लालची हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं निस्वार्थ भाव से साधना करूं, क्योंकि मैं अगर मैं साधना कर रही हूँ, जिनकी आराधना कर रही हूँ, मेरे मन में ये भाव जरूर आएगा कि हे प्रभु आपके गुण मेरे भीतर समाहित हो जाए। ये स्वार्थ हर साधक का होगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आपकी ये चेतना नहीं है। हम सब में ये स्वार्थ होता है कि हे प्रभु आपके गुण हमारे भीतर समाहित हो, और जब वो गुण धीरे धीरे हमारे भीतर समाहित होने लगते हैं तो हमें लगने लग, देखिए कई लोगों को मैंने देखा है, मैंने व्यक्तिशय परखा भी है, व्यक्तिगत भगवान की जो भी मान लीजिए दुर्गा की पूजा करते हैं तो उन महिलाओं या पुरुषों में एक अलग तरह की चेतना या उत्तेजना भी होती है कि समय पे वो कभी क्षणिक इतना तेज आवेश आता है कि उसको क्योंकि उन्हें असत्य बात या गलत बात सुनते ही उनको लगता है कि पता नहीं वो क्या कर, क्योंकि वो आराधना किसकी कर रहे हैं, उस दुर्गा की कर रहे हैं जिसने हमेशा बुराइयों का नाश किया है। समझ गए आप मेरी बात, जिसकी आराधना करते हैं उसके गुण हमारे भीतर प्रविष्ट होने लगते हैं। तो आज से हम क्या ये ऐसा लक्ष्य बना सकते हैं, मेरा सुझाव ही नहीं आप सबसे एक अनुरोध भी रहेगा कि हम सबको आज से हम सबका लक्ष्य भी रहा होगा कि हम अपने आराध्य का चयन करें। जो हमें सहज मिल गया वो अलग है, जब हम समझ बूझ के अपने आराध्य का चयन कर लेते हैं तो हम गुरु को यहाँ अपने, मैंने गुरु को अपने गुरु के केंद्र पर प्रतिष्ठापित तो करेंगे, लेकिन साधना में जाएगा हमारी अर्चा में क्या जाएगा, हे गुरु मुझे वो मार्ग दिखलाओ जो मुझे परम सुख की ओर ले जाए, परम आनंद की ओर ले जाए। और लोगस की साधना वही परम आनंद का एक ऐसा मार्ग है जिसे अनुभव के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आप कहते हैं मंत्र कब प्रभावशाली होते, कौन सा मंत्र प्रभावशाली होता है, ये भी आपको चयन करना पड़ता है, चुनना पड़ता है। आपको किसी ने भी कहा इस मंत्र से ये होता है ये कर लो, इस मंत्र से ये होता है ये कर लो, और हम करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, आप ही की तरह मैं भी एक कमजोर इंसान हूं, मैं भी करती हूँ। लेकिन जब लोगस्य की साधना में घुस जाते हैं तो जब उन मंत्रों को करने के बाद मैं लोगस का जप करने बैठती हूँ तो मेरी आत्मा एक सवाल पूछ बता एक जवाब देती है मुझे, क्या इससे ज्यादा सुकून तुम्हें कहीं और मिलता है। ये सवाल जब मेरी आत्मा से अंदर से उठता है तो मुझे ऐसा लगता है 24 तीर्थंकरों की आराधना का जो ये पवित्र मंत्र है, जो आगमों से उद्गृत है, जिसका मंत्र के रूप में, ध्यान के रूप में, जप के रूप में, कायोत्सर्ग के रूप में, अनुप्रेक्षा के रूप में, प्रायश्चित रूप में, कहीं मतलब साधना का ऐसा कोई विधान नहीं है जहां पर इस मन लोगस का प्रयोग ना हुआ। आपने उवसग्रहम भी बहुत प्रभावशाली मंत्र है, लेकिन आपने देखा इस मंत्र का प्रयोग हर जगह नहीं होता है, लेकिन जो मैं लोगस की बात करूं इसका प्रयोग हर जगह हो रहा है। तो आप सोचिए कितना पावरफुल है ये, इसकी जिस एक तीर्थंकर की शक्ति की जो है शक्ति कितनी पावरफुल होती, कितना बलवान होते हैं तीर्थंकर आप सबको पता है। इस डिटेल में ना जाकर अगर मैं ये बताऊं कि लोगस का महत्व तो कितना ज्यादा है, इसलिए अगर हम अपने आराध्य का चयन कर लेते हैं कि हमारा आराध्य वही होगा जो सिद्ध भगवान है, जो तीर्थंकर है, और उनके आराधना से ऑटोमेटिक हमारे भीतर वो स्वास्थ्य का लाभ या कहिए कि शांति,
का लाभ, हमें सुख और समृद्धि, जो कुछ भी हमारे जीवन को सहज चलाने के लिए हमें आवश्यक होता है, वो सारी चीजें हमारी सहज ही हमें मिलने प्राप्त हो जाती। यानी आपकी जीवन की गाड़ी ऑटोमेटिक सहज फ्लो में, ऑटो गियर में चलनी शुरू हो जाती है। और जब गाड़ी ऑटो गियर, यानी मैं मांगू ही नहीं, बिन मांगे ही मुझे सब कुछ मिलने लगे, वो ऑटो गियर, यानी मुझे चाहिए कि ये प्रॉब्लम आई और मुझे चाहिए सिंपल सी बात कि मुझे चाहिए कि अभी मैं जा रही हूँ और मुझे कोई गाड़ी अभी इमीडिएट मिल जाए कि मैं इजीली वहां पहुंच जाऊं, तो वो गाड़ी भी आप मान के चलिए अगर आपकी श्रद्धा स्ट्रांग है तो वो मिलेगी। अगर आप ट्रेन घर से लेट निकल रहे हैं तो वहां पर भी ट्रेन हो सकता है, घर से लेट निकलने के बाद भी आप ट्रेन कैच कर पाएंगे, क्योंकि आप की वो प्रबल भावना जो थी, वो भावना इस मंत्र के एंड में एक वर्ड बोलते हैं हम, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। ये इतनी सी चीज भी, इतना सा मंत्र भी इतना पावरफुल है कि जिंदगी के ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बता रही हूँ, छोटी छोटी उपलब्धियां, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमें प्राप्त होती हैं। और जीवन में जैसे जैसे साधना का क्रम आगे बढ़ता है, अभी विभा जी ने जैसे जैसे साधना का क्रम आगे बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा नशा बढ़ता जाए, यानी इसमें और डूबने की इच्छा होती जाती है, और ये इच्छा हमारी प्रकर्ष पर पहुंचती, जितना जितना प्रकर्ष पर पहुंचती है उतना उतना हमारे जीवन में ऐसे लगता है कि हम उस सिद्ध भगवान के करीब पहुंच जाते हैं, यानी सब कुछ मिल जाता है, आठों कर्म क्षय करने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। विभा जी, अभी आपसे मैंने प्रश्न पूछा था, आपने कहा था मैं 108 बार करती थी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, 108 से अभी आप बहुत संख्या में कम पर आ गए, शारीरिक परिस्थिति सही नहीं हुई या पारिवारिक परिस्थिति ऐसी थी कि आपने इसकी साधना में कमी कर दी, या फिर आपने सोचा बस 108 जप लिया बहुत मिल गया, अब मैं आप एक दो से मेरा काम चल जाएगा? नहीं, साधना में कमी नहीं हुई है, पर अब मैं मेडिटेशन की ओर बढ़ गई हूँ तो लोगस की आराधना कम हो गई है। यस, लोगस आराधना करनी पड़ती है, वही वही यस, कीर्तन आप जब जो भी भी वो करना पड़ता है, तो मैंने वो आप छोड़ दिया है और मेडिटेशन में अब लगती हूँ मैं। यस, अभी आपको मैं यही कहना चाह रही हूँ कि लोगस की साधना में जब भी आप बैठें तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि ध्यान लोगस के साथ भी ध्यान किया जा सकता है। आप ध्यान में आगे बढ़े, ध्यान बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपने लोगस की साधना जब की करते होगे तब भी आप पूरी तरह डूबते, मतलब लोगस को मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, निर्भय अभय की चेतना जो जागती है। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे जिनके जीवन में एक प्रॉब्लम, मतलब सडन उनके पिता की डेथ हो गई, और वो अपने पिता से इतना ज्यादा अटैच्ड थे कि वो मतलब निकल नहीं पा रहे थे उस दुख से कि मैं कैसे मतलब उससे बाहर निकलूं, सोते जागते मतलब अपने दिवंगत पिता की आत्मा से उनका वार्तालाप चलता था, इस हद तक वो हो गए थे। और उनको ऐसे लगता था कि कलेजे के नीचे पेट की इस जगह पे यहां से ऐसे लगता कोई चीज खींच रहा है, यानी जब भी उन्हें ऐसा एहसास होता, और उन्हें जब ये बात कही गई कि ठीक है आप कुछ नहीं, जब भी ऐसा एहसास होने लगे कुछ मत सोचो, तुरंत लोगस का जाप करना शुरू करो, ये मतलब आंखें आंसुओं से भरी हैं, अंदर भय लग रहा है कि मैं कैसे रहूंगी उनके बिना, और दूसरी चीज ये लग रहा है कि उनके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये मोह की जारा भी इतनी और ज्यादा मतलब करीब होती जा रही है, दिवंगत आत्मा को भी शायद तकलीफ हो रही होगी और जीवित आत्मा को भी तकलीफ हो रही है, लेकिन जब लोगस की साधना करना उनको ये बताए, जब जब ऐसा एहसास शुरू हो, और आप जैसे ही इसको चालू करें, आप करिए, एक में जबरदस्ती करना पड़ता था क्योंकि आंसुओं से भरे हुए थे, इतना अटैचमेंट फील होता था, दूसरे से करते दूसरे तीस लोगस तक पहुंचते पहुंचते वो लोगस में डूब जाते थे और अपने पिता की दिवंगत आत्मा से डिटैच होना शुरू हो जाते थे, और वो भावना कैसे बदल जाती थी, धीरे धीरे उनसे जब अनुभव से बात की, उनका अनुभव सुना, तो उन्होंने कहा मैं सोते जागते जब भी मुझे ये फील होता
कि पापा मेरे पास नहीं है, तो मैं तुरंत उसका जप शुरू करता था और मैं निर्भीकता की स्थिति में पहुंच जाता था और पापा से डिटैच भी फील करता था और ये फील करता था कि आप मेरे मोह में मत फंसना, जहां भी हो आपकी आत्मा ऊर्ध्वगामी हो। ये मंगल कामना साथ साथ में पैदा होनी शुरू हो गई। ये कितनी बड़ी बात है, जिस आत्मा को आप बार बार अपने पास वापस बुलाना चाह रहे थे, आज आप क्या करने लगे, उस आत्मा के ऊर्ध्वगामी होने की मंगल कामना करने लगे, उस आत्मा के मोह, उस आत्मा के मोह, सॉरी, उस आत्मा के मोह से आप विलग हो करके ऊर्ध्व, उस आत्मा के ऊर्ध्वगामी मनी वो वीतरागता को प्राप्त करें, ये मंगल कामना आपके मुंह से निकलने लगी। ये कब हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ, आप निर्भय बनने लगे, आपको ये फील होने लगा कि पापा के बिना भी मेरा एक अलग व्यक्तित्व है, उनके साथ मेरा ये रोल था और मैं अब उनके बिना भी अपने जीवन को अच्छा कर सकता हूँ, जी सकता हूँ, स्वावलंबी जीवन जी सकता हूँ। और पापा चले गए या पिताजी चले गए तो वो दिवंगत आत्मा मेरी ताकत बन सकती है, ये लोगस ने सिखाया। इसका इतना बड़ा चमत्कार है, ये जागृत अनुभव जब सुना और अनुभव किया, तो आज जहां भी कभी भी किसी के यहाँ भी हम मृत्यु के अवसर पर जाते हैं, अत्यंत दुख का अवसर होता है, बिछोह का अवसर होता है, व्यक्ति उससे डिटैच हो नहीं पाता है, उस रिश्ते से डिटैचमेंट कराने का ये सबसे बड़ा तरीका है कि हम वीतरागता के इससे सराबोर इस महामंत्र का जप अनुष्ठान। अनुष्ठान का मतलब, मेरा मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाए और खाली उसका जप करें, जब जहां आपको फील होता है कि मैं कमजोर पड़ रही हूँ, उसी समय अगर इस मंत्र का जप किया जाए तो मैं समझती हूँ कि ऐसे ऐसे चमत्कार घटित होने लगेंगे, आपको आपको वो सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा जिसके लिए एक सत्य साधना का व्यक्ति चाहता है। उसका मन नहीं करेगा, चाह करके भी वो झूठ बोले, झूठ बोलने की उसकी इच्छा नहीं होगी, मजबूरी में, बहुत ज्यादा मजबूरी हो गई, अगर बोलना ही पड़ा तो उसका हजार बार उसके मन में प्रायश्चित चलता है कि प्रभु मुझे माफ करना, आज मैंने मुझे गलत बोलना पड़ा। तो ये जो फीलिंग आती है ये लोगस साधना से, ये 24 तीर्थंकरों की मतलब ऐसी दिव्य साधना है, ऐसी दिव्य आराधना। मैं साधना तो मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं साधना, साधना में जाइए ही नहीं, आप खाली आराधना करिए, साधना तो अपने आप हो जाएगी। आप प्रार्थना करिए, आप उसका सहज जप करिए, साधना तो अपने आप में, साधना में वो चीज कन्वर्ट हो जाएगी। मैं साधना करने के लिए कभी भी जप नहीं करती हूँ, मैं केवल आराधना से, उस आत्मा से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए जप करती हूँ। कब वो जप लंबा होता है, कब साधना में कन्वर्ट हो जाता है, वो प्रभु जाने, वो साधना में कन्वर्ट हुआ या नहीं ये भी वो प्रभु जाने, लेकिन इतना जरूर हम जानते हैं कि जितना जितना जप करने का एक बार मन करता है, सोचते हैं अभी एक जप, एक लोगस कर लेती हूँ, लेकिन एक, दो, तीन, चार, जितना समय होता है ऐसे लगता है बस उसमें डूबी रहूं। ये भावना जब प्रकर्ष पर पहुंचती है, ये संकल्प जब मन में जागता है, तब जा करके ये आराधना साधना में बदलने लगती है। इसलिए हम सब कहें मैं लोगस की साधना करती हूँ, मैं समझती हूँ हम अपने अहम की पुष्टि कर रहे हैं। अगर अहम का विलय हो गया तो हम यही कहेंगे कि नहीं, मैं लोगस की आराधना करती हूँ। और उसकी आराधना करते करते मैंने कहा ना, कब साधना में हम बदल जाती है हमारी आराधना, वो ऊपर वाला जाने, कब हम एकाकार हो जाते हैं, तब दिशाएं महत्व नहीं रखती। लोग कहते हैं पूर्व दिशा की तरफ मुंह करो, लोग कहते हैं उत्तर दिशा की तरफ मुंह करो, लेकिन अगर मैं तो यहां तक कहती हूँ कि जब हम इन दिव्य व्यक्तित्वों की, दिव्य शक्तियों की आराधना में डूब जाते हैं, तो कोई भी दिशा महत्व नहीं रखती, सब दिशा ही पूर्व है, सारी दिशाएं पूर्व, उत्तर, मतलब उत्तर जैसा प्रभाव रखती है। जहां बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, अंतर मन में लोगस का जप चलना शुरू हो जाता है और अंत में जो वर्ड निकलता है सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, केवल आराध्य वीतरागता के क्षेत्र में नहीं, जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा मार्ग, कोई भी ऐसा पड़ाव नहीं है जहां आपको सफलता का स्वाद नहीं चखाएगा। अगर इतना विश्वास आपके भीतर जाग जाता है, तब मानिए कि लोगस की आराधना साधना में परिवर्तित हो गई। क्योंकि इस मंत्र में
केवल शब्दों का संयोजन नहीं है, केवल तीर्थंकरों की अभ्यर्थना नहीं है, इस लोगस साधना में लोक कल्याण की भी बात है। मतलब आप जब जब कोई मंत्र इस भावना से रचा जाए कि भाई इससे आत्मा का कल्याण हो और दूसरी आत्माएं जो सुनने वाली हैं उनका भी कल्याण हो, आप एक हफ्ते के लिए कभी भी लोगस के जप को, लोगस का मंत्र चला दीजिए और धीमी धीमी गति में से चलने दीजिए। इसका तो हर पद्य का मंत्र, मतलब मंत्र है, हर पद्य अपने आप में अलग प्रभावी है, लेकिन पूरे लोगस की जपाटी हम बोलते हैं या स्वयं इसको चला के भी छोड़ देते हैं घर में, तो वातावरण में जो शांति व्याप्त होती है, वातावरण में जो शुद्धि पर व्याप्त होती है, वो हमारे जीवन के लिए पर्याप्त खुराक बन जाती है। दूसरी चीज, लोग कहते हैं कि मैं, हो सकता आप लोगों को बताया भी गया होगा, लेकिन मैंने जब ये कहा ना कि लोगस के, जैसे अभी विभाजी बोले 108 जप करें, अगर विधि विधान से बैठे तो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं भी बैठे, मैं कहीं भी गाड़ी में बैठी हूँ, ट्रेन में बैठी हूँ, कहीं भी कार चल रही है, कार में बैठी हूँ, ऐसे ऐसे उदाहरण से भरे पड़े हैं ग्रंथ, एकदम सत्य घटनाओं से, कि जहां पे गाड़ी एकदम खाई में गिर गई, लेकिन उस खाई में गिरने के बाद भी उस गाड़ी में बैठी हुई एक बहन कंटिन्यूअस रस्ते में लोगस का जप कर रही थी, और वो सब उस गहरी खाई में गिरने के बाद भी उसमें बैठे हर व्यक्ति सुरक्षित बाहर निकल के आ गए, और उनका, और वो कहते हैं हमें खुद नहीं पता कि हम कैसे बाहर निकले और कैसे हमारा, उनका जो गहना उन्होंने पहना हुआ था वो भी सुरक्षित, वो कहते किसी ने आके हमसे मांगा कि अपना ये दे दो मुझे, और हमने उतार के दे दिया। और उस समय तो ऐसा लगा कि अरे हमने ये क्या कर दिया, ये हमने गलत कर दिया, लेकिन वो दिव्य शक्ति थी, कोई लोगस की ही ऐसी पावर थी कि उन्हें हर चीज बाद में वो सुरक्षित मिल गई, किसी भी व्यक्ति के रूप में, किसी भी शक्ति के रूप में। शक्तियां कब और कैसे आपकी सहयोगी बनकर काम करती हैं, इसका अंदाजा वही लगा सकता है जो कर, मैं कितना भी यहाँ से बोलूं कि आप करिए या, लेकिन जिन्होंने शुरू किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, उसे कभी भी ना छोड़ें। अभी एक 10 मिनट का हम ध्यान करें, जो एक प्रयोग, खाली आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग उसको किसी भी दिशा में कैसे भी जप करिए, पर आप करिए, अपने जीवन में इसे समाहित करिए। क्योंकि अगर सुबह सुबह उठ करके, अभी चंदू जी ने कहा मैं सुबह उठ करके एक बार करती हूँ, रात में सोने के समय भी करती हूँ, बहुत अच्छी बात है। सुबह उठते ही अगर ईशान कोण में वंदन, अपने सिमंदर स्वामी को वंदना करने के बाद, गुरु वंदन करने के बाद में चारों दिशाओं में एक एक लोगस का ध्यान, यानी पूर्व, फिर आप पूरब में किया, फिर आप टर्न हो गए उत्तर की तरफ, फिर टर्न हो गए पश्चिम की तरफ, फिर टर्न हो गए उधर, फिर वापस पूर्व, वापस जो पूर्व की तरफ करते हैं वो आकाश, यानी पंच तत्वों के लिए आपने जो ये पांच लोगस बोल लिया तो एक बहुत बड़ा काम आपने कर लिया। मतलब इस, ये एक बहुत बड़ी आराधना है, आपने पांचों दिशाओं में लोगस को बोल गए, पांचों तत्वों को आपने वंदन करते हुए जब ये लोगस का जप कर लिया, ये प्रतिदिन अपनी जीवन में शामिल किया जा सकता है, और मेरे ख्याल से आप लोग करते भी होंगे, नहीं करते हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज इसे स्टार्ट कर दीजिए। मैंने पहले का फिर बोल रही हूँ, पहले पूर्व दिशा, फिर उत्तर की तरफ टर्न होइए, फिर पश्चिम की तरफ टर्न हो जाइए, फिर दक्षिण की तरफ, फिर वापस पूर्व की तरफ है। इस तरह से पांच लोगस का ध्यान, जो पूर्व में वापस घूमते मैंने फिर का, वो आकाश तत्व के लिए होता है। अगर कर सकते हैं तो आप ऐसे मुंह करके आंखें खोल के भी कर सकते हैं, ये इतना भी अगर आपने शामिल किया है तो बहुत बड़ी बात है, है? और चंदू जी लिख रही है श्योर करूंगी, ये मतलब डेली लाइफ में एंट्री कर जाना चाहिए लोगस। पांचों दिशा में वज्र पंच स्तोत्र गिनती हूं मैं। यस, वो आप करते हैं, वो आप अपने सुरक्षा कवच की दृष्टि से करते हैं ना, वो लोगस, वो उसमें नौकार मंत्र का बनता है वज्र पंच स्तोत्र, वो सुरक्षा कवच की दृष्टि से होता है। ये जब मैंने कहा ना कि ये मंत्र तीर्थंकरों की शक्ति से समाहित मंत्र है,
एक तीर्थंकर में इतनी पावर है, यहाँ तो 24-24 तीर्थंकरों की स्तुति इसमें शामिल है। दूसरी चीज है, मैं एक असामान्य रोग के बारे में बताऊंगी कि लोगों को नींद की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। जब भी लोगस का जप करें, जिन जिनको नींद की प्रॉब्लम है, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, नासिका का अग्र भाग लोगस, क्योंकि मैं सामान्य समस्याएं अगर आपकी सुलझा न सकूं और फिर आपको कहूं आप वीतरागता पे जाइए तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो पहले तो हमें शारीरिक स्तर पर ही काम करना पड़ेगा, वो उसके लिए जरूरी है। आप फोकस करके नाक के अग्र भाग पर खाली ध्यान लगाकर लोगस का जप करिए, मानसिक जप करिए, चाहे बोल बोल कर करिए, लेकिन जोर जोर से बोल के ना करके अगर इसे अंतर जल्प के रूप में, यानी धीरे धीरे आप लोगस का एकदम स्लो, जहाँ आपके होठ ना हिले लेकिन अंतर जल्प में जब बोल रहे हैं धीरे धीरे, तो और यहाँ पे ध्यान करें नासिका के अग्र भाग पर अपनी चेतना को ले जाकर लोगस का जप करें। और जितना भी करें, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँ, 4 करें 8 करें, लेकिन आप सबसे मेरी एक गुहार है कि प्लीज 27 लोगस का प्रतिदिन कम से कम ध्यान करके आप अपने जीवन में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को अवश्य महसूस करें। और आगे बढ़ना है अगर आपको साधना में, तो आपके सातों चक्र जिसके ऊपर चल रहा है, तो मैं कभी नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में बता दूंगी आपको कि उसके ऊपर भी लोगस का ध्यान किया जा सकता है। और लोगस का ध्यान करने के साथ जब सातों चक्रों पे जो ध्यान करते हैं वो कितना अमेजिंग होता है, मैं उसका मतलब आपको विवरण, या आप खुद करिए और खुद अनुभव कीजिए, क्योंकि आप सब लोग बहुत बड़े साधक हैं, अनुभव करके। अलका जी, सातों चक्रों का ध्यान हमें इतने दिनों से हम कर रहे हैं, कंटिन्यू हम कर चुके हैं ध्यान, और बहुत ही जो आप बता रहे हो बहुत इमेजिंग होता है, ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही अनुभव है, जो जिन्होंने किया है उनको तो अनुभव होगा ही। मतलब ऐसे लगता है कि आज जिस दिन सातों चक्रों पे हम लोगस, यानी चार चार लोगस का करिए, एक एक लोगस का करिए, पर एक एक लोगस में उतनी स्थिरता नहीं आ पाती है। कभी समय कम हो तो आप भले ही एक एक करिए, लेकिन कम से कम चार लोगस का ध्यान अगर आप करते जाते हैं, तो आप 4 या 7 लोगस का आप करते हैं एक एक चक्र पे, तो आप देखिए जब आप करने के बाद में आपको जो असीम मतलब फीलिंग आएगी, उस फीलिंग का मैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उनकी व्याख्या कर सकूं। इतना खूबसूरत, इतना शांतिदायी, ऐसे लगता है कि हम शून्य में प्रवेश कर चुके हैं, एक ऐसी शून्यता में चले जाते हैं जहां पर कोई विचार ही नहीं, तो केवल लोगस ही लोगस बोल रहा है। और जब भी आप, फिर थोड़े दिन बाद ऐसी स्थिति आ गई कि आप जब नींद में भी अगर आंख खुल गई तो लग रहा है, आपको लगेगा कि लोगस चल रहा है मेरे अंदर। जब ऐसी स्थिति में आप आ जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि परम आनंद आपके भीतर अवतरित होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, एक और एक आम व्यक्तियों को बताना चाहूंगी, शायद आपको जब बताया गया होगा लोगस की महिमा के बारे में, तो वो भी बता दे रही हूँ कि जब भी 12 बजे का, जब दोनों सुइयां मिलती हैं, कभी भी आपको एहसास होता है कि दोनों सुइयां मिल रही हैं, आप उस समय एक लोगस का ध्यान इमीडिएट एक लोगस का जप कर ले, चाहे वो दिन का समय हो चाहे वो रात का समय हो। अगर आप जागे हुए हैं, जब भी नया साल आता है 12 बजे की सुइयों जब मिलती हैं, लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, और हमारे जैसे लोग बिल्कुल उस समय, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में कि मेरा पूरा परिवार उस समय सिर्फ लोगस का जप करता है, केवल लोगस का। और एक लोगस का जब करिए या 4 का, पर एक का अवश्य कर लें। आप देखिए जीवन में किस तरह से नई नई चीजों का प्रवेश होता है, नई मतलब पॉजिटिविटी का प्रवेश होता है। ये इसलिए बता रही हूँ कि छोटी साधनाएं भी हैं, बड़ी बड़े अनुष्ठान भी हैं, आप जिसका प्रयोग करेंगे आप उसका लाभ जरूर पाएंगे। आप प्रयोग इतना करेंगे, लाभ इतना इतना है जिसकी कोई मतलब व्याख्या नहीं है, आपको करेंगे और तभी महसूस होगा। तो मैंने छोटा प्रयोग बताया 12 बजे वाला,
आपको चारों दिशाओं का प्रयोग बताए, वो 5 मिनट से ज्यादा का नहीं है वो प्रयोग, कम से कम उतना शामिल करें। और आगे बढ़ते हैं तो 27 लोगस का ध्यान करें, जो बोल करके मंद मंद बोल करके कर सकते हैं, नासिका के अग्र भाग पर करें। और ऊपर उठते हैं तो आप दर्शन केंद्र, ये मतलब बहुत बड़े साधक का द्वारा बताया गया प्रयोग है जो मैं आपको बता रही हूँ, और उस प्रयोग की वजह से आपको मैंने जब उन साधक की ये कही हुई बात पर प्रयोग करना चालू किया तो मुझे खुद एक बहुत बड़ी नींद की समस्या जो मेरे साथ थी वो दूर हो गई, और अचानक मतलब ऐसे लगने लगा कि यहाँ पर प्रभाव पड़ने से शायद मेरा ये पीछे मेलाटोनिन जागृत हुआ और नींद की मतलब सहज नींद आना अपने आप शुरू हो गई। तो ये प्रयोग तो हम कर ही सकते हैं। और फिर जो थोड़ा टफ लगता है जो सांसों के साथ किया जाता है, अगर सांसों के साथ 4 लोगस का भी ध्यान किया तो वो बहुत बड़ा चमत्कार है। चमत्कार का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अचानक बहुत बड़ा क्या क्या, सबका अपना अपना प्रारब्ध है, पता नहीं किस दिशा में कौन से कर्म कट रहे हैं हमें ये नहीं मालूम होता, लेकिन हमें ये जरूर मालूम होता है कि हमें क्या मिल रहा है। जो मिल रहा है उसे अहो भाव के साथ अगर हमने स्वीकार किया तो सहज ही वो द्विगुणित शतगुणित भी हो जाता है। तो इसलिए आप उस जो पर ये पक्की बात है कि लोगस कभी आपको नेगेटिव चीज नहीं देगा, लोगस हमेशा पॉजिटिव देगा, और आप जितना जितना अनुभव करेंगे उसे आपको स्वतः महसूस होने लगेगा कि ये छोटा सा दिखने वाला मंत्र, मैंने बोला ना साधना के जितने भी आयाम हैं उन सब आयामों में ये फिट होता है, और उन सब आयामों में इसका प्रयोग करने का विधान भी, मतलब प्रयोग करने का सुझाव भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से किया है, भगवान ने स्वयं इसका प्रयोग किया है। अगर भगवान उसका प्रयोग कर रहे हैं जब तीर्थंकर बनने के बाद भी, अगर उनकी साधना में 24 तीर्थंकरों की ये लोगस्य की साधना शामिल है, तो आप समझिए कि हम साधारण मनुष्य भी उस साधना को अपनी आराधना का सशक्त माध्यम बना सकते हैं, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन जीवन सचमुच चमत्कारों से घटित हो जाएगा। तो आज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत सारे इसके ऊपर तो चाहे जितने भी एपिसोड किए जाए महत्व के बारे में, समय अपनी सीमा से गति से आगे बढ़ रहा है, तो आप सबको मैंने तीन चार प्रयोग बताए हैं वो करें। और श्वास के साथ जो प्रयोग करना है वो जब हम सातों चक्रों का ध्यान कराएंगे उस दिन मैं एक एक आपको सुझाव जरूर दूंगी कि शायद आने वाले बृहस्पतिवार को हम सातों चक्रों का जो विशेष प्रयोग करने जा रहे हैं उस प्रयोग के लिए खुद भी आइए तैयारी के साथ, हल्के थोड़े से नींद से भारी होके उठ के ना आए, कम से कम 5 बजे उठ के अपने आप को एकदम चैतन्य में चेतनता में ले आए, क्योंकि उस दिन नींद की झपकी जिसने मिली तो उसका अपना नुकसान होगा, इसलिए वो अपने मतलब उन्हें नुकसान तो क्या होगा, उन्हें कम मिलेगा, कम में हम क्यों संतुष्ट हो, हमें ज्यादा में संतुष्ट होना चाहिए। और कई दफे क्या होता है, मैं बार बार इसलिए कहते हैं कि अपने आसपास के लोगों को जिनको जोड़ सकते उन्हें जोड़िए, क्योंकि हो सकता है मेरी बात वो ना सुने, लेकिन जब हमारे हमें कोई दूसरा कोई बात कहता है तो हमारे परिवार के लोगों पे भी उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति की साधना का स्तर क्या है, अगर उसकी स्वयं की साधना उसमें जुड़ी हुई, उसने कोरा ज्ञान अगर नहीं बखाना है और उसने साधना में डूबकर साधना का परिणाम होकर साधना की अनुभूतियों को आपके साथ शेयर किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो निश्चय ही प्रभावी होता है। और उस प्रभाव की बात हम करें, क्योंकि मैं कुछ चीज हमेशा छोड़ देती हूँ, ये पता नहीं छूट ही जाता है, गुरु शायद यही चाहता है कि एक साथ में सारी चीजें ना बताए, कुछ इंटरेस्ट बाकी रहना चाहिए, क्योंकि प्यास अगर बुझ गई तो फिर हमारी तृप्ति अगर मिल गई तो हम हमारे कदमों में तेजी नहीं रहती है, और जब प्यास बाकी रहती है तब कदम लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हमेशा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा तेज फरमा रही है। एक उत्सुकता जब पैदा होती है वहीं पर एंड कर दिया जाए तो वो उत्सुकता बनी रहती है। तो जो एपिसोड देखिए टीवी पे जितने भी एपिसोड चलते हैं सब में यही होता है, एक उत्सुकता अब क्या होने वाला है वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है, एक उत्सुकता जिज्ञासा मन में बनी रहे
बस बहुत बिल्कुल सुंदर तरीके ऐसा से है। आपने, तीन तीन बताए, 27 लोगों से 5 लोगों और तीसरा याद नहीं आ रहा है मुझे। तीसरा मैंने बोला ना कि 1 लोगस 12 बजे, ठीक, 12 जब दोनों सुइयां मिलती हैं। देखिए सबके घर में न्यू ईयर मनाया जाता है, मैं न्यू ईयर से स्पेशली इसलिए जोड़ रही हूँ कि जब सबके घर में न्यू ईयर मना रहा, हम लोग उस समय भूल जाते हैं कि हमें इस समय क्या साधना करनी चाहिए, और उस समय जो मंत्र बोले जाते हैं उसका जो चमत्कारी, हम लोग वेट करते हैं कि 12 बजने में 1 मिनट बाकी है, मैं घर के लोगों को अलर्ट कर, अब 1 मिनट बाकी है, उस समय टीवी बंद हो जाने चाहिए, जो भी डांस कर रहे हो बंद हो जाने, सब कुछ बंद हुए, और तुरंत हम सब जैसे ही 12 बजता है हमारा पूरा परिवार उस समय केवल लोगस के जप में लीन हो जाता है, चाहे 1 लोगस का करे पर समूह में होता है वो, और सामूहिक जप का बहुत चमत्कारी प्रभाव होता है। मैं ये नहीं जानती कि प्रभाव क्या हुआ, मुझे क्या मिला, मैंने अभी आपको पहले भी कहा, लेकिन अगर मेरे भगवान ने या मेरे महावीर ने मेरे आगमों में कहीं ऐसी चीज के प्रयोग लिखे हैं तो हमें उन पर पूरा विश्वास करके उन प्रयोगों को शामिल बिल्कुल करना चाहिए। हो सकता है वो ऊर्जा पूरे वर्ष हमारे साथ बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाती है, हमारी शक्ति को संवर्धित करती है, इतना पावरफुल हमें बना देती है कि हम नई चीजों को ग्रहण भी कर पाए और बुराइयां अगर तकलीफें जो आए उनका प्रतिकार भी हम कैसे कर पाए, ये सारी शक्ति वो दिव्य शक्ति हमें देती है। तो इस विश्वास के साथ तो आप लोग 12 बजे का जो समय होता है, ठीक 12 बजे, चाहे वो दिन में हो चाहे वो रात में हो, कभी भी आपको ऐसा अवसर मिले और आपको याद आ जाए कि अब ठीक 12 बज गए, तुरंत 1 लोगस का ध्यान कर, जहां है जैसे है वहीं खड़े हो जाए, स्थिर हो जाए, शरीर को ढीला छोड़ दे और लोगस का मन ही मन जप कर ले, बस इतना बहुत है। बिल्कुल चलिए तो मैं ध्यान के लिए आप सबसे बोलूंगी, पूरा शरीर को ढीला छोड़ दें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, तीन बार हम ओम का उच्चारण करेंगे, श्वास भरें, उच्चारण करें कि आपकी अंत में मुंह से निकलने वाली मां की ध्वनि शंख ध्वनि में परिवर्तित हो जाए। अब जब आप श्वास के साथ लोगस का उच्चारण करेंगे तो मैं केवल आज आपको एक पद्य का बता रही हूं, आप नासिका के अग्रभाग पर ध्यान चित्त को ले जाएं, श्वास भरते हुए बिना बोले हुए शब्द बाहर नहीं आएंगे, आप पहले पद्य की पहली पंक्ति तक बोलेंगे मन ही मन, श्वास छोड़ते हुए दूसरा, यानी 2 श्वास में आपका 1 लोगस पूरा होगा। चलिए श्वास भरें, मन ही मैं बोल रही हूं लेकिन आपको बोलना नहीं है, ध्यान से सुने, श्वास भरे, लोगस जो ये गरे, विश्वास छोड़े, धम्म तिथये रे जिने, श्वास भरे, अरिहंते कित्तई सम, श्वास छोड़े, 24 संपि के बली। फिर एक बार करें, श्वास भरें,
लोकस उज्जोये धरे, श्वास छोड़े धम्म तिथय रे जिने अर्हन्ते कित्तये सं चौवे संपिके वरे। लो श्वास भरे लोगस उच्चो यगरे धम्म तिथय रे जिने अरिहंते कित्तये सं चौवे संपिके वरे। श्वास भरते हुए नीचे शक्ति केंद्र पर लोगस के प्रथम पद का जप करना है। श्वास भरें और जब श्वास छोड़ दें तो सहस्रार चक्र पर ज्ञान केंद्र पर आपको अंतिम पंक्ति बोलनी है। श्वास भरें, शक्ति केंद्र पर रुकें और लाइन बोलें लोगस जो ये करे। श्वास छोड़ें, ज्ञान केंद्र पर बोले धम्म तिथय रे जिने। श्वास भरें, अरहंते कित्तये सं। श्वास छोड़ें, श्वास भरे लोगस जो गरे धम्म तिथय रे जिने अरहंते कित्तये सं चौवे संपिके वरे। अपने ज्ञान केंद्र पर हो रहे स्पंदनों को पकड़ने का प्रयास करें। पूरा ज्ञान केंद्र एक्टिवेट हो गया है। जैसे शिव और शक्ति का मिलन हो गया हो। मन ही मन महसूस करें आपकी चेतना ऊर्ध्वारोहण करते हुए ज्ञान केंद्र पर पहुंच चुकी है। मुस्कुराहट के साथ देखें और अनुभव करें श्वेत रंग के प्रकाश की किरणें पूरे शरीर में फैल गई है। पूरा ललाट, पूरा शरीर, पूरा आभामंडल श्वेत प्रकाश से भर गया। ओम शांति, ओम अरहम। आंखें खोल लें धीरे से। जब हम सातों चक्रों पर इस तरह से ये ओम का ये लोगस की का जब सांसों के साथ करते हैं, अभी जो बोल रहे थे अभी ध्यान में हम चले गए, तो ध्यान में आप जाइए और इसके साथ में अगर लोगस का भी अगर आपने जप किया तो आपको दोनों लाभ साथ साथ में हो सकते हैं। इस तरह से आप करिए। आप अपने कोई भी किसी को कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। ओ मरम बहुत छोटा सा प्रयोग हमने किया, 5 मिनट भी का प्रयोग, लेकिन बहुत ही शानदार प्रयोग। श्वास के साथ लोगस का
ध्यान कैसे किया जाए आपने बताया। ये मैंने आनंद जी केवल एक क्योंकि 7 मिनट का मैंने 7 या 10 मिनट हो ही गए अपने 9 मिनट का प्रयोग हुआ और ये एक्चुअली बहुत प्रभावशाली हो जाता है। शक्ति केंद्र से ऊर्जा ऊपर उठनी शुरू हो जाती है और जब यहाँ पे आती है जब हम यहाँ आके छोड़ के फिर यहाँ पे 1 सेकंड तो सहज ही श्वास संयम भी हो जाता है। श्वास लेके जब हम वापस वहां पर रुक करके वो पंक्ति बोलते हैं मन ही मन तो सहज ही श्वास संयम का प्रयोग भी होता है और शक्ति का उद्धारण। सही फरमा रहे हैं आप। तो अंतर यात्रा का प्रयोग हमें बताया गया है। मैं कभी कभी जब ध्यान करता हूँ तो इसी तरह से शक्ति केंद्र से शक्ति को बटोर के ऊपर लेके आता हूँ और ज्ञान केंद्र पे आके उसको बिल्कुल खाली कर देता हूँ। इस तरह से जो आपने अभी बताया प्रयोग वही प्रयोग अपन करते हैं जो शक्ति का उद्धारोहण अंतर यात्रा का प्रयोग जो हम करते हैं तो उसमें डीप में जब जाते हैं ऐसी अनुभूति होती है। तो आपने बहुत शानदार बहुत सुंदर तरीके से लोकस के द्वारा भी हम अपने शक्ति को ऊपर लेके ज्ञान केंद्र तक ला सकते हैं। आनंद जी एक बात कहना चाहूंगी, अगर मेरे पास कस्तूरी है और मैं दूसरी जगह कस्तूरी तलाशूं तो ये तो मूर्ता वाली बात होगी ना। तो जैन समाज तो इतना समृद्ध समाज है जिसके पास मतलब इतनी बड़ी संपदा होते हुए भी अगर हम अलग अलग जगह तलाशते हैं उस खुशबू को उस सात्विक आनंद को तो हमसे बड़ा मूड कौन होगा। तो अपनी संपदा को हम बिल्कुल सही फरमा रहे हो आप। लेकिन कहते हैं ना दिया तले अंधेरा होता है तो घर की मुर्गी तो अच्छा हाँ एक एक पद पर श्वास लेना छोड़ना 28 संपदा का लोगस पूरा होता है। अच्छा अच्छा तो देखिए ये तो मैं तो सहज ही बोल रही हूँ क्योंकि दो श्वास में अगर एक दो श्वासोच्छ्वास में आपका एक पद्य पूरा होता है। 7 पद्य हैं तो 7 पद्य 2 14 हुआ 14 दूनी 28 हो गया। तो आप खुद ही ये तो मैंने तो सच कह रही हूँ मैंने कोई कैलकुलेशन से नहीं किया ये मैं सहज ही करते करते ये प्रयोग अपने आप करने लगी। तो मैंने यही बोला कि अभी आपने जब बोला और जब आप लोग अपने अनुभव से ये बताते हो कि ऐसा है प्रयोग कहीं पे तो ऐसा लगता है स्वयं प्रभु या स्वयं जो शक्ति है हमारे भीतर निहित होती है वो निरंतर साधना से आराधना से साधना से वो मुखर होनी शुरू हो जाती है। तो सत्य जो सत्य प्रभु ने बताया हुआ है वही सत्य के करीब हम जाते हैं तो ऐसा लगता है हमारी हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कर रहे हैं। जी बहुत सुंदर जी। मतलब जैसे लोगस जो ये घर है धम्म तीर्थ रजनी पूरा एक ही साथ में लेना है या लोगस जो ये घर है धम्म तीर्थ रजनी सांस छोड़ दे। नहीं आप सांस भरिए आप का सांस भरने के बाद कहाँ जाएंगे शक्ति केंद्र तक फील करिए उसको शक्ति केंद्र पे आप रुकोगे और वो बोलोगे लाइन लोगस उज्जो ये करे बस इतना ही बोलिए फिर आप वापस सांस छोड़ोगे तो ऊपर आओगे सांस छोड़ोगे यहाँ लाके छोड़ दीजिए यहाँ छोड़ने के बाद बोलोगे बाह्य कुंभक हो जाएगा वो यहाँ लाके फिर बोलेंगे धम्म तिथय रेज में फिर श्वास भरा फिर नीचे तक चले गए वहां से वहां भले ही इस तरह से आप 2 ही लोगस का कर रहे हो या पूरे मतलब 28 सांसों का 28 उच्छ्वास का जो प्रयोग वो विभा जी ने बोला है वो ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा और 1 लोगस में 28 उच्छ्वास श्वासोच्छ्वास हो जाएंगे। बिल्कुल। तो संख्या मायने नहीं रखती कि आप 1 लोगस का करिए या 25 लोगस का करिए या 27 लोगस का संख्या मायने से ज्यादा है कितना कंसंट्रेशन के साथ में मतलब संख्या मायने नहीं रखती है आपका श्वासोच्छ्वास के साथ किया गया लोगस बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। बहुत सुंदर कविता जी सिंह ने अपने आपको अनमोल किया। कविता जी बोलिए। वीना जी आज तो मैंने फर्स्ट टाइम आपका ये सुना है और इतना जबरदस्त और 2 मिनट का भी ध्यान किए ना बहुत प्रभावशाली था रियली था कि मैं वो ध्यान से बाहर निकलूं और इच्छा है कि और आगे इसका प्रोसेस सही तरीका सीखने का कि ये कब वापस क्लास होगी ये वेट रहेगा।
आनंद जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती फ्यूचर हूँ कि उनकी वजह से हम लोग जुड़ पाए हैं इतना अच्छा सेल्फ क्लास। सही में अहोभाग्य हमारा कि आप लोग सब मतलब इतना। कविता जी इनका प्रति गुरुवार का जो अभी क्रम चल रहा है आप उनके वीडियो देखिएगा, परसों इनका सेशन और होने वाला है इसी समय, और जो 7 चक्रों के ऊपर इन्होंने प्रयोग बताए थे और उसका ध्यान परसों करवाने वाली है, तो परसों जरूर जुड़िएगा। बिल्कुल थैंक यू। थैंक यू आनंद जी, मैंने एक्चुअली मैंने अनुभव जन्य बातें ही आज आपके साथ सबके साथ शेयर करी, आपकी वजह से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने पहले भी कहा था सेशन की शुरुआत में कि जो कुछ कहलवाएगा आज गुरु ही कहलवाएगा, क्योंकि मैं अच्छे से तैयार कुछ भी मतलब बुक खोल के भी नहीं देख पाई पढ़ पाई मैंने। मुझे लगा आज मेरी परीक्षा है, मेरी साधना की आराधना की परीक्षा है, जो मैं जप करती हूँ उसका उसकी परीक्षा है, क्या मैं सचमुच उस लोगों तक उसका प्रभाव पहुंचा पाऊँ। बस अगर लोगों के हृदय को पहुंचा पाऊँ और उनको अपनी संपदा अपनी अमीरी का एहसास हो जाए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर। तो आज समापन की ओर चलेंगे, तो दोनों हाथ जोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए हम संकल्प सूत्र के साथ समापन करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। बिना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम सब आपके भी आभारी सर, आपके और बिना जी के भी। ओम अरहम ओम अरहम परसों बीना जी का सेशन रहेगा, जो गुरुवार का इनका जो क्रम चल रहा है बहुत शानदार। 8 एपिसोड अभी तक इनके हो चुके हैं चक्रों के ऊपर, अब 8ों का एक सेट पूरा हमने एक लिंक भेजा है, उसके अंदर आपको 8ों एपिसोड मिल जाएंगे। आप ग्रुप में भेजा हुआ है, आप उसको सर फिर से वो लिंक भेजना ना, उसमें 8ों 8ों आपको इनके है जो एपिसोड है 8ों का वीडियो उसमें अवेलेबल है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर लिंक भेजना, वो हमारे लिए अनमोल धरोहर के रूप में एक चीज हमें मिली है, तो उसको हम कभी भी खोल के जैसे पुस्तक पढ़ सकते हैं, तो उसको भी हम कभी भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ओमर